অ্যাকচুয়ালি এই যুবকত্রিপদে আসার পর ওর সন্ধান আমরা কারোর মাধ্যমে পেয়েছি। পাওয়ার পর ওর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়ার পর ওকে আমরা ওয়েলকাম জানাইছি। তারপর আমাদের দুর্গাবাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ওকে আমরা এখানে থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। যতদিন ত্রিপুরাতে তিন চার দিন আর থাকবেন, এমতো অবস্থায় আমাদের আমরাই ওর সব দায়িত্ব নিয়েছি। এখান থেকে সে সমস্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন এই স্কুল প্রতিষ্ঠানে আসা যাওয়া করে এবং এই সুযোগটা আমরা ওকে দিয়েছি। কারণ সে আমাদের ভারতবর্ষের একজন সম্পদ, শুধু আমাদের ভারতবর্ষ না, আমি মনে করব ত্রিপুরারও একজন সম্পদ। নমস্কার, মেরা নাম রোহন আগরওয়াল, মে নাগপুর মহারাষ্ট্র সে। মেয়ে উমর অভি 20 সাল হ্যাঁ, 2 সাল সে মে পুরী ভারত কি প্যাদল চলকে ও লিফট লেকে যাত্রা কর। वाराणसी से 25 अगस्त 2020 को मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत किया था, जब मैं 18 ईयर्स का था। वहाँ से शुरुआत करते हुए मैं ईस्ट इंडिया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और बहुत सारे देश जाके मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में 7 महीने 8 महीने से हूँ। नॉर्थ ईस्ट का भी ये 7वां राज्य है त्रिपुरा मेरा, और इंडिया का 27th स्टेट। जर्नी में अभी तक मेरे 762 डेज हो चुका है, मतलब 2 साल से भी ऊपर का समय। अभी तक जर्नी में 15,000 किलोमीटर्स बाय वॉक करके और बहुत बार लिफ्ट लेके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये जो जर्नी मैं करता हूँ, ये मुख्य तौर पे मैं प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को समझाने का और बताने का मैं कार्य करता हूँ। स्कूलों में जाके, पब्लिक प्लेसेस में जाके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके इसको कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि आज ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज अपनी धरती माँ के लिए और सब इंसानों के लिए, सब जानवरों के लिए, हर चीज़ के लिए। साथ ही साथ मैं एक और मैसेज देता हूँ जो कि आज अपने भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है अपने जो सभ्यता है, अपना जो कल्चर था, अपना जो धर्म था, अपना जो लैंग्वेज था, उसको प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि आज बहुत सारे लोग वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ जा रहे हैं, अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। अगर ऐसा होते रहेगा तो हमारे देश का इतना खूबसूरत जो कल्चर है, जो इतनी खूबसूरत विरासत थी, वो विलुप्त सी हो जाएंगी। तो इसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करने का भी एक मैं मैसेज देता हूँ। जर्नी में जब मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, 7 महीने से मैं आपको बताया, मैं आपको मालूम होगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। खासतौर पर जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है वो बांग्लादेश और अपना म्यांमार वाला, क्योंकि वहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है। तो हमारा जो यूथ है आज गलत दिशा में जा रहा है, वो ड्रग के अभाव में। लेकिन अगर ऐसी ड्रग हमारा यूथ लेते जाएगा और गलत दिशा में जाएगा, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये प्रश्न है। तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि मैं जब मेरा खास तौर पर जो मेरा मैंने आपको बताया कि मेरा जो खास जो इंट्रैक्शन होता है वो यूथ और क्या बोलते स्कूल में और कॉलेज में यूथ से होता है। अगर उनको मैं समझा पाया थोड़ा सा भी, उनके माइंड में कोशिश भी कर पाया सोचने के लिए भी कि क्यों ड्रग बेकार होता है, मेरा मिशन नॉर्थ ईस्ट में तो एटलीस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये जो जर्नी है अभी देश के बाहर भी करने वाला हूँ, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ऐसी 13 कंट्रीज क्रॉस करके एक दुनिया का सबसे ठंडा जगह है ओमियाकॉम साइबेरिया में, वहाँ पर पहुँचने वाला मैं पहला भारतीय बनूंगा। वहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 5 साल का समय काल लगेगा। वहाँ का टेम्परेचर, एक जगह है ओमियाकॉम नाम का, वहाँ का टेम्परेचर -72 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और वहाँ पर पहुँचने वाला प्रोबेबली मैं तो फर्स्ट इंडियन बनूंगा, क्योंकि वहाँ तक आज तक कोई भारतीय लैंड बॉर्डर के जरिए नहीं पहुँचा है। तकरीबन 5 साल में पहुँचने वाला पहला भारतीय बनूंगा। तकरीबन वहाँ पर पहुँच के मेरे को सब भारतवासी का मेरे को गौरव और शान बढ़ाना है, क्योंकि भारत का तिरंगा वहाँ पर फहराना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी इस जर्नी से जुड़ना है, आप जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम अलग अलग माध्यम से। यात्री रोहन मेरे इंस्टाग्राम का नाम है। अलग अलग माध्यम से जुड़ेंगे तो आप रोहन अग्रवाल सर्च करेंगे, रोहन अग्रवाल में AGREWL आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद। এই ফেস্টিভ সিজন জমে উঠবে এক্সাইটিং আরো ম্যাজিক্যাল ভিভো ফোনস এর নতুন রেঞ্জের সঙ্গে Y22, Y35, V25 সিরিজ, যাতে আছে এক্সটেন্ডেড র্যাম, ফ্ল্যাশ চার্জ, সুপার নাইট ক্যামেরা, স্টাইলিশ ডিজাইন, আরো অনেক ফিচার্স। আজকেই আসুন ভিভোর নিয়ারেস্ট স্টোরে। আমার বাড়িতে সবাই খুব ভোজন বসে, প্রতিদিন কিছু না কিছু একটা নতুন রান্না হয় আর সবাই খুব মজা করে চেটে পুটে খায়। সবাই বলে আমার হাতের জাদুতেই নাকি রান্না এত ভালো হয়। আর আমি বলি সবটাই হলো পিয়ার গোল্ড
সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা আসল সরিষার দানা থেকে তৈরি হয় পিআর গোল্ড কাচ্চি ঘানি সরিষার তেল, যার খাঁটি ঝাঁজ এবং গুণমান আপনার খাবারকে করে তোলে সুগন্ধ ও সুস্বাদুকর। আর আপনার রান্নাঘরে যখন পিআর গোল্ড কাচ্চি ঘানি সরষের তেল থাকবে, তখন প্রশংসা তো সবাই করবে। পিআর গোল্ড কাচ্চি ঘানি সরিষার তেল, খাঁটি তেল, খাঁটি ঝাঁজ।